मेरे करीम के दरबार मुकद्दस में कोई शख्स हाजिर हुआ था, उसने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरे दिल में सख्ती है, कसावत कल्बी है, मेरे दिल में नरमी नहीं पाई जा रही है। या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसी तरकीब इशार फरमा दीजिए, मेरे दिल में नरमी पैदा हो जाए, मेरे दिल की सख्ती जाती रहे। मेरे करीम आकर ने उसका तजवीज़ फरमाया, यतीमों के सर पर हाथ फेरा कर, तेरे दिल में नरमी पैदा हो जाएगी। जब किसी यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, चश्मे तसव्वुर में एक मंजर आएगा ना, कि ये वो बच्चा है, ज़िद करे तो कोई चुप कराने वाला नहीं, इसका तो बाप है ही नहीं है, कौन इसको चुप कराएगा, इसकी तो माँ नहीं है, कौन इसको दिलासा देगा, ज़िद करे तो कोई ज़िद पूरी नहीं करने वाला, रोए तो चुप कराने वाला नहीं है, बीमार हो जाए तो दिलासा देने वाला नहीं है। वो बच्चे भी हैं ना जो बीमार हो जाएं, कभी किसी ने उठा लिया, कभी किसी ने उठा लिया, यतीम को कौन उठाएगा। अगर उसके माँ बाप मौजूद हैं तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, ज़िद को पूरा किया जाता है, यतीम की ज़िद को कौन पूरा करेगा। एक और शख्स ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरे दिल में सख्ती है, मेरे नबी ने फरमाया था, कब्रिस्तान जाया कर, कब्रों की ज़ियारत किया कर, तेरे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। यानी कब्रिस्तान के किनारे पर खड़े होकर तो एक निगाह दौड़ाएगा, तुझे कुछ ढेरियाँ नज़र आएंगी, कोई छोटी ढेरी है, कोई बड़ी है, कोई मिलिया मेट हो चुकी है, कोई अभी बाकी है। फिर सोचना, हर ढेरी के नीचे मेरी तरह का एक इंसान मौजूद है, जिस तरह आज मैं मौजूद हूँ। मैं ये साफ़ सुथरा लिबास लेकर मैं मैली कुचहरी जगह नहीं बैठता, मैं गर्दो गुबार में नहीं बैठता, ज़मीन गीली हो कीचड़ वाली हो मैं अपने लिबास को बचाता हूँ, मगर ये जो कब्र में है वो भी बचाएगा। बारिश के साथ कब्र बैठ जाए, बारिश का पानी कब्र में अंदर दाखिल हो जाए, वो निकल कर कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। आज मेरी ख्वाहिशात, मैं अपने बालों को संवारता हूँ, चेहरे को निखारता हूँ, कपड़ों को उजला रखता हूँ, अपने बदन को खूबसूरत बनाता हूँ, मगर ये भी मेरी तरह ख्वाहिश रखा करता था, मगर आज इसकी ख्वाहिशात का कौन पुरसान हाल है। तुझे भी इसी तरह कब्र में आना है, फिर नहीं जानते, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, फिर कब्र भी मुकद्दर में होगी कि नहीं होगी। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल 787 STV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।